सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है, जिसे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद मस्जिद अल हरम स्थित है। हज के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री धू अल हिजाह के समय पहुँचते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान वह स्थान माना जाता है, जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी। पहले के समय से अब के समय में मक्का के आकार और बुनियादी ढांचे में काफी परिवर्तन हुआ है। मक्का का अबराज अल बैत, जो कि मक्का रॉयल क्लॉक टावर होटल है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। मक्का शहर समुद्र तट से लगभग 910 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह मुस्लिम समुदाय के लोगों में विशेष महत्व रखता है। पवित्र स्थल होने के कारण यहाँ मदिरापान करना सख्त मना है। दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिम धर्म के नागरिकों के लिए मक्का मदीना एक पवित्र, ऐतिहासिक एवं सम्माननीय स्थान है। मक्का मदीना का इतिहास भी उतना ही खास है जितना यह धार्मिक स्थल है। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है, जहां इस्लाम के पहले प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहां आने की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहां आने की कोशिश करता है तो वह सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहां कदम भी नहीं रख सकता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको ऐसे ही कई सवालों के जवाब के बारे में जानकारी देंगे। मक्का मदीना को मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक जगह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहां हर साल लाखों मुस्लिम लोग मक्का की जियारत करने और हज अदा करने आते हैं। मक्का सऊदी अरब के इजाज स्टेट में है और यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के लिए आते हैं। इस मुल्क के ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जो पूरे साल हज पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए काम करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस्लाम के उदय होने के पहले इस स्थान को यसरीब नाम से जानते थे। पैगंबर ने ही इस शहर का नाम मक्का रखा था। मक्का में ही इस्लाम का पवित्र पत्थर काबा मौजूद है। ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में हजरत पुत्र पैगंबर इब्राहिम एवं पैगंबर इस्माइल ने मक्का शहर का दौरा करने में ही अपना ज्यादातर समय बिताया था। मक्का मदीना की स्थापना आज से लगभग 1400 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा की गई थी। यह बाहर से चौकोर इमारत दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक काले रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। कहा जाता है कि यहां पर आने वाले मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपनी गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। आइए बात करते हैं इस धारणा के बारे में, जो कि महान और प्रसिद्ध धार्मिक विशेषज्ञों ने दी है। दोस्तों, संपूर्ण विश्व, क्या भारत के लोग इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदुओं की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उसके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों द्वारा मस्जिदों का निर्माण कराया गया है? इस्लामिक विश्व बंधक गतिविधियां इतनी प्रचंडता से की जाती थीं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विश्वस्त किए गए। कुछ लोगों के अनुसार इस्लाम इस आधार पर रखी गई थी कि दूसरों के धर्म को नाबाद करो और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले लोग, भले ही वह लोग मुस्लिम हो या हिंदू, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। भले ही वह मुस्लिमों को परेशान न करते थे तो भी उनकी मौत निश्चित होती थी, क्योंकि वह इस काम में बाधा डालते थे। मोहम्मद साहब और मुस्लिमों के हमले से मक्का मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया था और यह इस्लामिक तलवार पर बना हुआ धर्म है और रहेगा, और इसका अंत भी उसी से ही होगा। और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हज ए अस्वद है, मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का। मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, वह काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था और वह खंडित अवस्था में अभी भी वहां पर मौजूद है, और जिसे आज भी हज के समय संगे अस्वद कहकर मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है और चूमते हैं। द्वारका शरदा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। मोहम्मद साहब बिन सेव थे, इसलिए मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी, वो उसके बहुत ही विरोधी थे। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जिसके सबूत के तौर पर आज भी शाम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था,
जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैरकानूनी है। कहा जाता है कि इस बोर्ड को अब उतार दिया गया है और लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम का अंदर आना मना है। इसका मतलब यह है कि ईसाई धर्म, हिंदू या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे वैधानिक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धर्म और वासना के पुजारी थे। उन्होंने जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का का मदीना से अपना अलग अस्तित्व था, लेकिन मोहम्मद शाद के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के लोग, जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित हुई 360 में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया और सिर्फ काला पत्थर को सुरक्षित रखा, जिसे आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल्लात, मनात और अलउज्जा नाम के 3 देवियों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया। उस काला पत्थर पर आज भी मुसलमान श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। जब किसी हिंदू पूजा के दौरान हिंदू बिना सिले हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह इस दौरान मुस्लिम भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं और इस काले पत्थर पर शीश झुकाते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम जमझम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू लोग गंगा स्नान करने के बाद इस पानी को भरकर घर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी जमझम के पानी में स्नान कर इस पानी को अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, यह भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम लोग पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पी एन ऑक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र इतिहास में समझाया है कि मक्का इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति की पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से गहन खोज करने के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग है। मोहम्मद पैगंबर ने मूर्ति तोड़ी थी। हज करने वाले काबा पूर्वी कोने पर जड़े हुए काले पत्थर को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। दोस्तों, वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में बेगम जनजाति रहती थी और वह हिंदी रीति रिवाजों को मानती थी। बात काफी सालों पहले की है, जब पैगंबर हजरत इब्राहिम वचन अनुसार पत्नी हजरा और शिशुपुत्र हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद मक्का के रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी स्रोत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन शिशु हजरत इस्माइल को प्यास लगी। इसी दौरान मासूम इस्माइल अपनी एड़ियों को रेत पर रगड़ते हैं और अल्लाह के कर्म से उस जगह पानी निकलने लगता है। फिर यह जगह कुएं का रूप ले लेती है, जो आज जमजम के पानी के नाम से जाना जाता है। जमजम के पानी की जांच में यह बात सामने आई कि जमजम का पानी ईश्वर की बेहतरीन देन है। यह पानी सभी के लिए फायदेमंद और सूट करने वाला है। यहां के लोग इस पानी को पीकर तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जमझम के पानी का स्वाद सभी को एक जैसा लगता है। इस पानी को रसायन डालकर शुद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि मक्का के ऊपर प्लेन नहीं उड़ता, मक्का के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता है, और ऐसा भी कहा जाता है। पक्षी भी इसके ऊपर से नहीं जाते हैं, बल्कि अपना रास्ता बदल लेते हैं। काबा दरअसल हमारी धरती का केंद्र बिंदु है और यह पृथ्वी का ग्रेविटेशनल सेंटर भी है, इसीलिए कोई भी एरोप्लेन इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता। इसलिए पक्षी भी इस काबे के ऊपर से जाकर घूम कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, धरती का ग्रेविटेशनल सेंटर सतह से 64,000 किलोमीटर नीचे है। इसका प्रभाव आसमान तक नहीं पहुंच सकता। सऊदी सरकार ने अपने देश में रूल और रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है। जब मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, इसलिए सऊदी सरकार ने मक्का को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा है, ताकि काबे के ऊपर से कोई गैर मुस्लिम ना गुजर सके, चाहे वह प्लेन में ही क्यों ना हो। मक्का और इस्लाम में सबसे पाक माने जाने वाली इमारत काबा है। यह ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। यह इमारत 1400 साल पुरानी है। मुस्लिम लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय से जुड़ा हुआ मानते हैं। दुनिया के सारे मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानियां, यह कथाएं या दंत कथाएं पौराणिक है। इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, यह तो हम नहीं जानते। परंतु हम ये जरूर जानते हैं कि हर धर्म से पहले इंसानियत आती है, और इंसानियत वही होती है जो हर धर्म, हर जाति और हर मनुष्य को एक समान समझे। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, वह सिर्फ सिखाता है। तो हमें सिर्फ एक ही बात, वह होती है इंसानियत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।